30,000 ज्यूज जंगल में चीख चीख कर जिंदगी की भीख मांगते रहे। 1200 डूबते हुए हमारे साथी हाथ पैर फड़फड़ाते हुए कीड़ों की तरह मर गए। 3,000 जिंदा जलते हुए हमारे भाइयों की चीखें आज भी मुझे सुनाई पड़ती है। बच्चों का सर दीवार से पटक पटक कर उनका कत्ल कर दिया गया और वो कसाई वहां खड़ा सब हंसते हुए देख रहा था। ये जर्मन्स और दुनिया कैसे माफ कर सकती है इस राक्षस को? उन्हें क्या लगता है कि आइकमैन मर गया तो बाकी वॉर क्रिमिनल्स को माफ कर दिया जाएगा? मोसाद यूनिट कैसारिया के हेड यारिव ये सब अपने एजेंट साजिद को बताते हुए बोलते हैं, वो राक्षस की पक्की लोकेशन ब्राजील से रिकवर हुई है। तुम तैयार हो जाओ इस राक्षस का वध करने के लिए। ये मिशन पूरी दुनिया को बता देगा, दोज हु विल नेवर फॉरगेट। 40 की उम्र के आसपास, सर के आधे बाल उड़े हुए, गोल्डन चश्मा पहने एक तगड़ा सा आदमी ब्राजील एयरपोर्ट से चेकआउट करता है। नाम पूछे जाने पर वो बोलता है, एंटन कुंजेल। फिर वो एयरपोर्ट से बाहर निकल टैक्सी हायर करके रियो डी जेनेरियो के सबसे महंगे होटल कोपाकाबाना पैलेस में ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन एंटन कुंजेल नाम बताते हुए चेक इन करता है। वो बीचेस पे घूमता है, क्राइस्ट की विशाल काय मूर्ति को ताकता है, मुकुम्बा सेरेमनी में जाता है, गर्मी का एहसास करने के साथ साथ फेमस सांबा डांस भी देखता है। वो एक हफ्ते तक रियो के सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे जाता है और वहाँ के टूरिज्म मैकेनिज्म को पूरा समझ लेता है। टूरिज्म मिनिस्टर से मिलने के बाद उसको साओ पाउलो से बिजनेस ऑफर आने शुरू होते हैं। साओ पाउलो पहुँच वो कुकुर्ज मरीना को आसानी से ढूंढ लेता है। वहाँ एक लंबा सा आदमी सी प्लेन के बगल में खड़ा होता है। कुंजल उसके पास जाता है और खुद को ऑस्ट्रियन इन्वेस्टर बताते हुए उससे कुछ प्रोफेशनल सवाल जवाब करने लगता है। वो आदमी जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाता। फिर कुंजल बोलता है कि मुझे ये प्लेन हायर करना है। तभी उस आदमी के हाव भाव बदल जाते हैं और वो मीठी मीठी बातें शुरू कर देता है। अगले 5 मिनट में वो बादलों के बीच थे, उनके बीच खूब बातें होती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुंजल जो एक दोस्त बनाने में काफी तेज था उसको भी पटा लेता है और वो आदमी कुंजल को अपनी बोट पर शराब पीने के लिए बुला लेता है। दोनों चीयर्स बोलते हैं और खूब टल्ली हो जाते हैं। शराब के नशे में वो आदमी बोलता है, आई वॉज अ वॉर क्रिमिनल, आई फकिंग किल्ड सो मैनी ज्यूज। ये जो लंबा चौड़ा आदमी है ये वही कसाई है जिसका नाम है कुकुर्ज, और कुंजल कोई और नहीं, वही मोसाद का एजेंट सारिद है जो राम बन इस रावण का वध करने आया है। कुंजल मन में सोचता है, टारगेट कंफर्म्ड, कुकुर्ज यही है। कुंजल देखता है कि बोट और प्लेन दोनों ही जर्जर हालत में है और कुकुर्ज फाइनेंशियली काफी वीक है। फिर कुंजल कुकुर्ज को अपने पार्टनर्स, अपनी कंपनी और साउथ अमेरिका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान उसको बताना शुरू करता है। वो कुकुर्ज को हिंट देने लगता है कि तुम्हें टूरिज्म का काफी ज्ञान है, तुम भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वो कुकुर्ज को विश्वास दिला देता है कि मैं वही इंसान हूँ जो उसको करोड़ों का फायदा करवा सकता है। उसको जैसे ही लगता है कि मुर्गा भलाल होने को तैयार है, वो उठते हुए बोलता है, चलो तुम काफी बिजी होंगे, मैं भी अब चलता हूँ। कुकुर्ज तुरंत बोलता है, अरे नहीं नहीं, आप किसी दिन टाइम निकाल के मेरे घर आओ, हम अपने कॉमन इंटरेस्ट पे बातचीत करेंगे। बात बन गई, शिकार जाल में आ गया, बस अब शिकार करना है। शाम को कुंजल यारिफ को टेलीग्राम भेजता है और कुकुर्ज का कोड नेम रखता है द डिजीज्ड। एक हफ्ते बाद एक टैक्सी बड़े से बंगलो के बाहर रुकती है और उसमें से कुंजल बाहर निकल गेट की तरफ आगे बढ़ता है। बंगलो किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कम नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें और ऊपर नोकीली वायरिंग, लोहे का बड़ा सा गेट और गेट के साथ ही एक आदमी खूंखार दिखने वाला कुत्ता लेकर बैठा था। कुंजल उस आदमी को बोलता है, पायलट को बताओ मैं आ गया हूँ। कुकुर्ज कुंजल का बड़े प्यार से स्वागत करता है। पूरे बंगलो का एक चक्कर काटने के बाद उसको अपने परिवार से मिलवाता है, फिर अपनी 3 रिवॉल्वर और एक सेमी ऑटोमेटिक गन से भरी आर्मरी दिखाता है और कुंजल नोटिस करता है कि कुकुर्ज की एक पर्सनल डायरी भी मेज पर पड़ी है। तभी कुकुर्ज कुंजल को बोलता है, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे फार्म्स पे घूमने चलो, वो यही शहर के पास ही है। कुंजल मना नहीं कर पाता। अब दोनों की दोस्ती और गहरी होने लग गई। फार्म्स के बाद वो पहाड़ों पे घूमने गए जहाँ उन्होंने शूटिंग करी,
एक पुरानी सी झोपड़ी में रात गुजारी और डिनर भी किया। इन सब के बीच कुंजल ने नोटिस किया कि कुकुर्ज रातों को उठ उठ के बाहर जाता है, उसको नींद नहीं आती, उसको डर रहता है कि कोई उसको मारने आएगा। पहाड़ों से वापिस आकर कुंजल ने उसे क्लब्स, नाइट पार्टीज, फैंसी जगहों पे खाना खिलाया, उसको आसपास के देशों में घुमाया और उसको पैसों से खरीदी जाने वाली चीजों के प्रति लालच पैदा करवाया। कुकुर्ज ये सब फैंसी चीजें देख अब खुद को अमीर देखना चाहता था, वो कुंजल की सारी बातें मानने लग गया था। कुंजल को फिर टेलीग्राम आता है और उसको बताया जाता है कि मोसाद की हिट टीम किडोन यूरोप से होते हुए मोंटीवीडियो पहुंच रही है, कुकुर्ज को वहीं मारा जाएगा। दरअसल ब्राजील में कुकुर्ज को पुलिस प्रोटेक्शन तो थी, लेकिन नाजी की हत्या से ब्राजील के जीव्स को बहुत नुकसान हो सकता था, इसलिए उरुग्वे की कैपिटल मोंटीवीडियो को असैसिनेशन लोकेशन चुना गया। अब कुंजल कुकुर्ज को बताता है, मेरे पार्टनर साउथ अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑफिस लोकेशन ढूंढ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तुम भी मेरे साथ वहां चलो और हम ऑफिस लोकेशन ढूंढ के आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। कुकुर्ज को थोड़ा शक होने लगा, उसने अपने परिवार से सलाह भी ली, सभी ने उसको ना जाने की सलाह दी, लेकिन पैसे के लालच के आगे कुकुर्ज ने रिस्क लेना सही समझा और वो कुंजल के साथ मोंटीवीडियो के लिए निकल गया। कुंजल पूरे रास्ते मुस्कुराता रहा क्योंकि अब मोसाद का एक और दुश्मन खत्म होने जा रहा था। दोनों दिन के 12 बजे शिखर दोपहर में मोंटीवीडियो पहुंच जाते हैं। कुकुर्ज के लिए जो एक आम सा दिन था, वहीं कुंजल के लिए मानो किसी बच्चे का आज फाइनल रिजल्ट आना हो। सब प्लान के मुताबिक चल रहा था। दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, कुंजल टैक्सी की तरफ इशारा करते हुए उसे रोकता है, कुकुर्ज टैक्सी में बैठ जाता है। कुंजल भी टैक्सी में बैठने के लिए पैर आगे बढ़ाता है कि अचानक जोर से आवाज आती है, हैंड्स अप, डोंट मूव। कुंजल इसे गलतफहमी सोचते हुए हैरानी से पुलिस वालों को देखता है। पुलिस वाले तुरंत हथकड़ी निकाल कुंजल को पहना देते हैं और कुंजल जब तक कुछ समझ या बोल पाता उसे वैन में डालकर ले जाते हैं। ये सब दृश्य टैक्सी से देख रहा कुकुर्ज मंद मंद मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, ये ज्यूज खुद को समझते क्या है, मैं तो ज्यूज को सूंघ के पहचान लूं, ये कुंजल क्या चीज है मेरे लिए, मुझे मारने चला था। दरअसल हुआ यूं कि कुकुर्ज जो इतना खतरनाक किलर है, उसे शुरू दिन से शक था कि अचानक कोई मुझे बिना किसी फायदे के ऐसे कैसे पार्टनर बनाने को तैयार हो गया। और कुकुर्ज का शक यकीन में उस दिन बदल गया जब कुंजल फार्म्स पे एक रात सो रहा था तो कुकुर्ज को उसके बैग से उसकी फैमिली फोटो मिली जिसमें नाम हिब्रू में लिखे थे। उसी दिन से कुकुर्ज ने ब्राजील पुलिस को सब बताया और एक प्लान बनाया। उसी प्लान के हिसाब से मोंटीवीडियो पुलिस को ब्राजील पुलिस ने कुंजल एक ड्रग माफिया है ये बताते हुए उसे गिरफ्तार करवा दिया। कुकुर्ज शांति से मोंटीवीडियो में अपने पुराने घर की तरफ टैक्सी को ले जाता है। ये घर अक्सर खाली ही रहता था क्योंकि बहुत साल पहले कुकुर्ज ने इसे छोड़ दिया था। चेहरे पर अलग ही मुस्कान लिए कुकुर्ज घर का पुराना जंग लगा हुआ दरवाजा खोल अंदर घुसता है और अपने लेफ्ट हाथ में पकड़े बैग को नीचे रख राइट हाथ से लाइट जलाने लगता है। तभी पीछे से एक आदमी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और दो और आदमी उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। सामने अंधेरे से कुंजल निकलता है जिसके एक हाथ में हथौड़ा था और कुकुर्ज के सामने खड़ा हो जाता है और एक बार इस राक्षस कसाई के सर पर करता है और इस राक्षस का सर वहीं प्लास्टिक के खिलौने की तरह पिचक जाता है और पांचवा एजेंट बंदूक से इसकी छाती में दो गोलियां मारता है। 30,000 यहूदियों का कातिल कुछ सेकंड्स में खाल के टुकड़े समान जमीन पर पड़ा होता है। एजेंट्स फ्लोर टाइल से खून साफ कर इस मरे हुए कसाई को एक तिजोरी जैसे बक्से में बंद कर देते हैं और उसमें एक कागज पर लिख कर डाल देते हैं, Those who will never forget। कुंजल यहाँ ऐसे पहुंचा जब उधर कुकुर्ज कुंजल के खिलाफ प्लान बना रहा था। उन्हीं दिनों कुकुर्ज की वो पर्सनल डायरी कुंजल ने खोलकर देखी तो उसमें एक हिटलिस्ट के नाम से पेज था और उसमें कुंजल का नाम सबसे ऊपर लिखा था। वहीं से कुंजल ने ऐसे दिखावा किया कि जैसे वो कुकुर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। वो फैमिली फोटो भी जानबूझकर रखी गई थी और वो मोंटीवीडियो पुलिस को जो खबर मिली थी वो भी मोसाद एजेंट्स ने इंटरसेप्ट कर ली थी और वो पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि मोसाद एजेंट्स ही थे।
ये सब इसलिए किया ताकि कुकुर्स को लगे कि उसको कोई खतरा नहीं है अब। और जैसे ही वो रिलैक्स हुआ, मोसाद ने उसे धप्पा कर दिया। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन से मिशन आप सुनना पसंद करोगे। जय हिंद।